बाएं शाएं इधर उधर की बातें सब कर लेंगे और उस टॉपिक का डिबेट पे कोई नहीं आता। तो वो टॉपिक क्या हो सकता है भाई, क्या हो सकता है? एक सेकंड में देख लूँ मैं किस एंगल से बहुत अच्छी लग रही हूँ, फिर स्टार्ट करूँ। मैं टॉपिक का नाम बताऊँ आपको? खैर ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन टॉपिक का नाम है कराची वर्सेस लाहौर डिबेट। तो हम इस पे कुछ बात करना चाहेंगे। मुझे बहुत सारे इस पे जो है ना डीएम्स आते हैं, आप कराची से बिलोंग करती हैं या आप जो है लाहौर से बिलोंग करती हैं, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह जो हैं वो लाहौर से भी बिलोंग करते हैं, इस्लामाबाद से भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कहीं पर भी इस्लामाबाद एक हॉट टॉपिक नहीं बनता, जब बात आती है तो कराची वर्सेस लाहौर की आती है और वो आपस में इसलिए आ रहे होते हैं। तो मैं बहुत दिन से जो है ना चीज़ें नोट कर रही थी और देख रही थी कि आजकल जो टिकटॉकर्स आए हुए हैं विज़िट कर रहे हैं कराची में बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोरोना वायरस ने इतना डिप्रेस कर दिया सबको कि सब कुछ ना कुछ घूमने के लिए, दोस्तों के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए निकल रहे हैं और लाहौर से कराची का टूर कर रहे हैं 1 हफ्ते के लिए, 1.5 हफ्ते के लिए। तो फिर जब मैंने टिकटॉक खोला और टिकटॉक पे मैंने देखा कि 2-3 वीडियोस ऐसी डली हुई थी कि मेरा दिमाग ख़राब, क्योंकि मैं रिहायशी जो हूँ, मतलब मैं रहती तो मेरी रिहाइश यहाँ की है कराची, लेकिन लाहौर में मेरे बहुत अच्छे जानने वाले लोग रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, मैं जा भी चुकी हूँ इतनी दफ़ा और मैंने कभी ये फील नहीं किया कि वहाँ पे कोई जाहिल लोग रह रहे हैं या अनपढ़ रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे यहाँ लोग रहते हैं वहाँ पे भी रहते हैं, लेकिन टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस थी कि मुझे पर्सनली बहुत 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 बुरा लगता है उन लोगों के लिए कि ये वो ये वीडियो बनाते भी कैसे हैं, क्योंकि मुझे जब फील हो रहा है कराची में रहते हुए तो और लोगों को भी फील होता है, और फिर ऐसे ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, डिबेट शुरू हो जाते हैं, उसने इसको कहा, उसने उसको कहा, लड़ाई कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती ना। तो मैं आपको बताती हूँ मैंने देखा क्या ना, मैंने उस पर ये देखा कि वो जो टिकटॉक पे दो भाई नहीं आते थे, वो शर्ट्स फाड़ते थे, नगमों के ऊपर वीडियोस बनाते थे और बहुत सारे जज्बाती फन वाली वीडियोस बना रहे होते थे। न्यूज़ चैनल वालों ने भी उन्हें दिखाया और बोला कि ये मुल्क के लिए इतने जज्बाती हैं। रिसेंटली वो लड़का निदा यासिर के शो में भी आया था जुल्कर नैन लोगों के साथ, और उसने ये बोला कि मेरे भाई को तो ऑफ़र भी हो गई मिलिट्री में, हमारी टिकटॉक्स की वजह से हम इतने मशहूर हुए, हमारा जज्बा देख के उन्होंने, मिलिट्री वालों ने हमें बुला लिया और ये एंड ऑल दैट। खैर वो जाने और उसका काम जाने कि उसे बुलाया नहीं बुलाया, हम इस डिबेट पर पढ़ना नहीं चाहते। लेकिन उस लड़के ने एक वीडियो बनाई समंदर के सामने कि कराची वालों सामने समंदर है और उसके सामने हम रह रहे हैं, वहाँ पे पानी नहीं है, मतलब नहाने का और पीने का और ये सब चीज़ों का ना, वो ये बोल रहा था उस वीडियो में। तो मुझे इतना बुरा लगा कि इतने टिकटॉकर्स, अभी रिसेंटली MJSN का पूरा क्रू आया है, जुल्कर नैन का पूरा क्रू आया है और टीम एच से भी कुछ बंदे आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए विज़िट करके गए, किस लिए? समंदर के लिए ही तो, क्योंकि यहाँ यहाँ पे सी व्यू के लिए ही तो लोग आते हैं कि यार चलो कराची जा रहे हैं तो हम वहाँ ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ नहीं है भाई, नहीं है तो आओ, मोस्ट वेलकम, कोई मसला थोड़ी, आपका भी शहर है, ये एक मुल्क है। सिटीज़ के बारे में जब हम डिबेट पर पड़ जाएंगे तो हम एक मुल्क कैसे बनेंगे, जब हम कराची और लाहौर की डिबेट में पड़े रहेंगे, लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे। इतनी नेगेटिविटी आप लोग टिकटॉक पे फैला रहे हो, इतनी नेगेटिविटी, अच्छी बातें भी तो होती हैं, लोगों ने अपने कुकिंग चैनल्स शुरू करे हैं उसके ऊपर, लोगों ने जिस अरिका हक की एग्जांपल ले लें, बहुत ही अननोन थी आज से 2 साल पहले, अब वो इतनी नोन बन गई है, इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स उसने टिकटॉक पे दिखाई कि उसे अब वो बहुत मिलियंस में जा चुकी है और बहुत अच्छी मतलब उसके शूट्स हो रहे हैं, उसे एक्टिंग के लिए बुलाया जा रहा है, उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑफर्स हो रही है। क्यों? उसने अपनी कला शो करी ना टिकटॉक पे, तो आप अपना टैलेंट शो करें, टैलेंट शो करने के लिए ही टिकटॉक बनी है, ना कि आप नेगेटिविटी फैलाएं। सबसे पहले ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि मुझे नेगेटिविटी पसंद ही नहीं है, चाहे मेरे बराबर में बैठा मेरा दोस्त क्यों ना हो, चाहे मेरे घर में कोई अफराद क्यों ना हो, मुझे जो नेगेटिविटी फैलाए मुझे नहीं पसंद। तो वो टिकटॉक मैंने रात के 4 बजे देखी है और मुझे बहुत बुरा लगा है कि उसने आके पूरा इन्जॉय करा, हरीम शेख या शाह जो भी है उसके साथ पूरी टिकटॉक्स बनाई हैं,
सी व्यू के ऊपर और पूरा इन्जॉयमेंट करने के बाद तुम हमारे कराची के लिए ये वीडियो बना के डाल रहे हो और इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो, तो भाई किस लिए इतनी नेगेटिविटी फैला रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम किसी की सिटी के बारे में बात करते हैं ना, तो बात सिटी से सिटीजन्स के ऊपर जाती है, और सिटीजन्स के ऊपर जब बात चली जाती है तो वो बात ना फिर कहीं और ही निकल जाती है। तो फिर लिहाजा किसी की सिटी के ऊपर बात मत करें, क्योंकि लाहौर हो या कराची हो, इस्लामाबाद हो, फैसलाबाद हो, या कोई भी हो, कोयटा हो, रावलपिंडी हो, कोई भी जगह हो यार, एक मुल्क है। एक मुल्क को बहुत प्यार से रहना चाहिए कि यार अगर वहाँ बादशाही मॉस्क्यू है तो यहाँ कायदे आज़म का मज़ार है। और आपको बताऊँ कि मैं लाहौर, मैं कराची के लिए नहीं बोल रही, मैं दोनों चीज़ें इक्वल करके बोल रही हूँ कि वीडियो, मैंने पहले वो लॉजिक दिया कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ और किस बेस पे मैं बना रही हूँ, फिर उसके बाद ना मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ जो खसूसियात हैं उनकी चीज़ों की वो बता रही हूँ। आपको पता है कराची से ज़्यादा लाहौर में आबादी है और पंजाब बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और वहाँ की जो आबादी है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे हेल्दी इन्वायरमेंट है, अच्छा माहौल है। इस चीज़ में कराची थोड़ा पीछे है, लाहौर थोड़ा आगे है। और जैसे कि उधर इधर कायदे आज़म का मज़ार है, तो उधर मीनार पाकिस्तान हो गया, बादशाही मॉस्क्यू हो गई, और उधर के नाश्ते में जैसे लाहौर में कुलचे बहुत मशहूर है, और जब भी कराची में कोई भी कराची का रहने वाला होता है, लाहौर से कोई रिलेटिव आ रहा होता है या कोई ऐसी जानने वाले आ रहे होते हैं, तो उसमें हम फ़ोन करके कहते हैं यार हमारे लिए कुलचे ज़रूर ले आना, वो चाय के अंदर डाल के नमकीन होते हैं, नमक वाले होते हैं, फिर वो डाल के हम खाते हैं, वो बहुत ही लजीज होते हैं, और नान कथाई भी बहुत मज़े की होती है। तो कुछ कुछ देखे ना, इसमें खसूसियात हैं चीज़ों की, कि कुछ चीज़ वहाँ की अच्छी होगी। अब उस उधर मैंने आपको लाहौर की एग्जांपल दी, कुलचों की एग्जांपल दी, तो इधर हमारी बिरयानी मशहूर है, कराची की बिरयानी इतनी मशहूर है कि यहाँ आके तो बस खा के उंगलियाँ चाटते रह जाते हैं लोग। तो ये तो शुरू से ये चीज़ों पे डिबेट होते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं करता। क्यों भाई, आप क्यों अभी बैन की आ गई है पूरी जो है ना रिपोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, अगर यहाँ पे भी बेहूदगी या नेगेटिविटी चलती रही ना तो टिकटॉक बैन हो जाएगी, और जो मशहूर हो चुके हैं वो मशहूर हो गए हैं। तो लिहाजा अपनी जो ये बेहूदा हरकतें हैं ना बंद कर दें, इससे किसी का जो है ना, किसी को डिग्रेड करके आप जो है ना कोई अच्छे नहीं बन जाएंगे और आपको लोग अच्छा नहीं समझेंगे। कहीं लाहौर के लोग कमेंट करके सपोर्ट कर रहे होंगे तो कराची वाला गाली दे रहा होगा, ठीक है? तो क्या हो रहा है भाई, क्यों खा रहे हो गाली बिला वजह में? गाली खाने का बहुत शौक है भाई, तुम इन्जॉय करने आए हो, तुम इन्जॉय करो, वीडियोस बनाओ, तुम बुराई क्यों कर रहे हो एक जगह की? तो ये चीज़ मुझे बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा बुरी लगी, जिसकी वजह से मैंने ये सोच लिया कि मैं वीडियो बना के ही रहूँगी। अच्छा, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी एक रिलेटिव हैं, वो यहाँ पर ना आई और उन्होंने बोला कि मुझे इस जगह जाना है, तो रिक्शे वाले ने ना बिल्कुल सही कराया बताया, और बहुत ही अच्छे से ना, मतलब उन्हें घर भी छोड़ दिया, कराया भी उनको ना बहुत कम बताया, जितना के होता है वो बताया, ये नहीं कि बहुत लाहौर से कोई आया है और डिस्ट्रैक्ट करके इतना ज़्यादा कराया बना के और उसका चूना लगा के उसको ना बस वो कर दिया, नहीं, बिल्कुल सही कराया बताया। वहाँ लाहौर में उन्हीं रिलेटिव के घर पर मेरी मामा गई और उन्होंने बोला कि मुझे भैरिया टाउन जाना है, और उन्होंने ना मतलब वहाँ से ऑटो लिया और उनको बोला, मतलब उसका ट्रिपल कराया बता के उन्हें वो उनके घर छोड़ के गया। रात में उन्हें ये बात पता चली जब उनको मेरी मामा को किसी दूसरे ने बताया कि आप तो लुट गई, मतलब इतना कराया देके आप भैरिया टाउन आई हैं। तो कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें बुरी होंगी, और हमें तो हर चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए यार, हम एक मुल्क की तरह नहीं रह सकते। बाहर वाले क्या बोलेंगे, बाहर वाला बंदा तो और तशद्दुद करेगा हर चीज़ के, वो करेगा कि ये एक मुल्क ही नहीं है, हमें जिस टॉपिक पे बात करनी चाहिए, हमें स्टाइल के बारे में बात करनी चाहिए, हमें कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए, हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के लिए कोई वीडियो बनाने के लिए है ही नहीं। आप मशहूर होके क्या करोगे जब आपने कोई पॉजिटिव काम ही नहीं किया? मेरी टिकटॉकर्स से भी ये गुजारिश है कि अगर आप मशहूर हैं तो आप प्लीज़ इस तरीके की वीडियोस डाला करें, आप कुछ किसी चीज़ के सपोर्ट के लिए वीडियो डालें कि आपकी मशहूर होने की जो
एक चीज होती है ना कि आप मशहूर हो, तो उस मशहूरी से आपका किसी चीज का फायदा तो हो, वरना क्या फायदा? आप तो मशहूर सिर्फ अपने लिए हो रहे हो, आप फेम ले रहे हो अपने लिए हो रहे हो, अपने करियर के लिए हो रहे हो। मेरा माइंड इस तरीके का नहीं है कि अगर आपको फेम मिल रहा है तो आप उस फेम का फायदा उठाओ, जबकि आप कुछ और भी कर सकते हो अपने फेम से, तो क्यों ना करो। और दूसरा ये कि मुझे क्या DM आया हुआ था, एक बहुत मज़ेदार DM आया हुआ था, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है? उन्होंने वो, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं। मुझे थोड़ा एक बंदे ने मैसेज किया था थोड़े दिन पहले और बोला कि हम कराची होके गए हैं, लेकिन लाहौर का था कोई, और हमें ना कोई ट्रांसपोर्टेशन में ना मतलब मज़ा नहीं आया या अच्छी नहीं। तो इस चीज़ में लाहौर अच्छा है, उन्होंने पहले मेट्रो निकाली, डाइवो निकाली, इस चीज़ में तो नो डाउट लाहौर अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ट्रांसपोर्टेशन में। और इसके अलावा मुझे एक और भी चीज़ आई हुई थी, हाँ, टिकटॉकर्स से मुझे याद आया, एक और भी DM आया हुआ था, क्योंकि मेरे DMs बहुत नीचे गए हैं, तो मैं उन्हें बार बार खोल खोल के चेक कर रही हूँ कि कौन से वाले की एग्जांपल अप दूँ। तो एक और आया हुआ था जिसमें उन्होंने बोला हुआ था कि हम टिकटॉक्स बनाते हैं जैसे कि लाहौर में, और वहाँ पे खुली है, को आपको पीछे से देख नहीं रहा कोई मुस्तकिल, आपको मतलब इतना नोटिस नहीं कर रहा कि हो क्या रहा है, क्या बना रहे हैं ये वो। और कराची में अगर आप लोग पार्क्स में ये चीज़ें बनाएंगे तो लोग दूर दूर से देखेंगे भी, ताड़ेंगे भी, अरे भाई ये बंदा कर क्या रहा है। तो वहाँ पे ना माहौल थोड़ा अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छी होती है तो आबादी भी ज़्यादा होती है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था लाहौर में हेल्दी एनवायरमेंट है और बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, कि वहाँ पे किस चीज़ को इनको बुरा नहीं समझा जाता। जो कोई कर रहा है तो भाई अपना टैलेंट दिखा रहा है, अपना काम कर रहा है, आपका कोई हक नहीं बनता किसी के टांग अड़ाओ किसी के काम में, ठीक है? पहली तो बात ही यही ख़त्म हो गई। और यहाँ पर उस चीज़ को ज़रा जो है ना देख रहे हैं, ट्रॉल कर रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो वीडियोज़ बनती भी नहीं है ना बंदे से। तो एक ये DM आया हुआ था। दूसरा ये कि यार खाने की बात हमने कर ली, ट्रांसपोर्टेशन की बात हमने कर ली, समंदर की बात हमने कर ली, पॉजिटिविटी की बात हमने कर ली, नेगेटिविटी की बात हमने कर ली, इन द एंड अगर लाहौर में लम्स है तो उसका मुकाबला हमारे IBA से है, पूरा टक्कर का मुकाबला है ना, IBA ज़्यादा आगे है ना लम्स ज़्यादा आगे है, तो फिर किस चीज़ में लाहौर पीछे तो कराची पीछे? ये डिबेट ही ख़त्म हो जाता है जब हम चीज़ों को कंपेयर करेंगे ना, डिबेट ख़त्म हो जाएगा। इन्जॉय करने आए आप, समंदर पे इन्जॉय करो, हर चीज़ की वीडियोस बनाओ, हर वो चीज़ करो, इन्जॉय करो, ये एक मुल्क है, यहाँ से आप लोग कराची आओ, लाहौर आओ, जो करना है करो यार, लेकिन नेगेटिविटी मत फैलाओ कि जो है पानी नहीं आता, ये नहीं आता। जिस समंदर पे तुम खड़े हो, उस जहाँ पे सामने घर बने हुए हैं, तो उसके नीचे भी समंदर का ही पानी होगा ना, क्या वो फिल्टर होगा? नहीं ना, तो वो फिल्टर होके कैसे आ सकता है जब इतना नमक वाला पानी और इतना गंदा पानी है, तो वो कैसे आ सकता है? बस आप अपना इन्जॉय करो, आप अपनी ये वाली साइड क्यों शो कर रहे हो? मुझे तो आप ज़रा नहीं पसंद, इतने चुचोड़े आप लड़के हो, हर लड़की के साथ बहुत ही अजीब ही वीडियोज़ आती हैं आपकी वॉक करते हुए। आपको जहाँ से भी आपको ऑफर आई है, आप जाओ, आप हमारे कराची के बारे में बुराई मत करो। पूरी वीडियो में मैंने लाहौर के बारे में कोई बुराई नहीं की, ना ही कराची के बारे में बात की है, मैंने दोनों चीज़ों को कंपेयर करा है और मैंने बताया कि इधर भी अच्छी चीज़ें हैं, उधर भी अच्छी चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लोगे तो प्यार मोहब्बत ही बांटोगे ना, आप नेगेटिविटी तो नहीं शो करोगे। तो भाई इस तरीके की नेगेटिविटी है कि यहाँ पर लाहौर में माल रोड है तो यहाँ पे शार फैसल है, बिल्कुल सेम बने हुए दोनों, माल रोड और यहाँ पे कराची का शार फैसल, उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिमिलैरिटीज़ ही हैं बहुत ज़्यादा ना। तो मैं इसी तरह की आप लोगों को इसीलिए थोड़े की पॉइंट्स दे रही हूँ कि बहुत सिमिलर हैं, अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो हमें दोनों शहर में कोई कमी पेशी नज़र नहीं आएगी, बस यही एक फ़र्क है कि समंदर यहाँ पर है। और भाई एक गालियाँ देना कम कर दो, टिकटॉक पे ज़रा पॉजिटिविटी फैलाएं, इतनी जो है ना बेइज्जती ना करें, हम एक ही मुल्क हैं। और जैसे वहाँ अनारकली रोड होता है, यहाँ पे होता है सदर मार्केट, वहाँ अनारकली गली में बहुत रश होता है, यहाँ पे सदर मार्केट में बहुत रश होता है नियर जैनब मार्केट के पास। तो ये सिमिलैरिटीज़ हैं, ये थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जिन जिन चीज़ों के मैंने वीडियो में नाम लिए हैं।
तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही हैं। भी नेगेटिविटी फैलानी है फैलाते रहो, इससे कुछ भी नहीं होता, इससे किसी का कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। आप बस सिंसियर रहो अपने गोल से, अपने अपनी जो चीज़ पसंदीदा चीज़ है वो करो। किसी के शहर की बुराई करके आपको मिल क्या जाएगा? कुछ भी नहीं मिलता आपको किसी की शहर की बुराई करके, क्योंकि हम एक मुल्क हैं, पाकिस्तान एक मुल्क है। यहाँ कराची और लाहौर का डिबेट ही नहीं होना चाहिए। जितने भी टिकटॉकर्स हैं ना लाहौर से, मेरी यही गुजारिश है कि आप आएँ घूम के जाएँ, लेकिन बुराई मत करें, क्योंकि मैंने लाहौर की कोई बुराई नहीं करी है। इसके बाद लोग कंट्रोवर्सी में भी ले लेंगे मुझे, मेरी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव में भी शो करेंगे, पॉजिटिव में भी शो करेंगे। क्योंकि लोगों की आदत होती है क्रॉप कर करके ना वीडियो कहीं पोस्ट कर देते हैं, दिखाते हैं कि इस बंदे ने ये बोला था, तो उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। मैं जो कहना चाहती थी मैंने कह दिया। तो इन दी एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि कराची वालों के पास समंदर है, बात ही ख़त्म हो गई। और इसके बाद मुझे पढ़नी है गालियाँ और बहुत सारी, और जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे कमेंट्स भी करेंगे, इसमें कोई भी मसला नहीं है। और इसी तरह मुझे प्यार करते रहें, मुझे YouTube चैनल पे बहुत सपोर्ट चाहिए, मुझे Instagram पे भी बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जो जो व्यूवर्स हैं मुझे सपोर्ट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे इस क्लिक ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह मज़े मज़े की चीज़ों पे टॉपिक्स पे बात ज़रूर करूँगी। ब्लॉग बनाने का मकसद यही था कि प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं हर जगह। अच्छा सोचेंगे तो अच्छी चीज़ें होंगी, बुरा सोचेंगे तो बुरी चीज़ होगी, अच्छा कुछ नहीं होगा आपकी लाइफ में। और इसके अलावा मेरी पूरी ब्लॉग मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर थी, तो मैं किसी और का एक्सपीरियंस इधर शेयर नहीं करूँगी। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ये वीडियो मैंने बना ली थी, क्योंकि मुझे बहुत दिन से बहुत बुरा लग रहा था। और ये काफ़ी अरसे से ये चीज़ चलती आ रही है कि कराची, देखें जो जहाँ रहता है ना उस चीज़ को वो ज़्यादा पसंद करता है। अगर मैं शुरू से लाहौर में रहती होती मैं लाहौर को ज़्यादा प्रायोरिटी देती, मैं शुरू से कराची में रहती हूँ तो मैं उसको ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देती हूँ। कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, यहाँ पे लोग रात भर जागते हैं, लाहौर में तो 10 बजे सो भी जाते हैं। लेकिन ना वो बुरा है ना ये बुरा है, बुराई कहीं पर भी मत करें। आप यहाँ घूमने आए हैं, आप अपना इन्जॉय करके जाएँ, बुराई का तो कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। तो इसी तरह मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, और फिर से आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उस पर क्लिक करिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करिएगा। कोई भी टिप चाहिए हो, कोई भी मसला हो, मुझे DM करें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।